हे ब्यूटीफुल पीपल्स, और मेरे डेली के ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल नॉलेज डेली में। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं मेडिटेशन एंड इट्स मेथड। ये बुक इतनी इम्पोर्टेंट है कि मुझे इसे बहुत पहले ही एक्सप्लेन कर देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त है। तो मेडिटेशन एंड इट्स मेथड, ये बुक लिखी है स्वामी विवेकानंद जी ने। और आप लोग सब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी कितने महान इंसान हैं ये हमारे देश भारत के लिए, और साथ ही ये महान है पश्चिमी देशों के लिए भी, क्योंकि यही वो इंसान है जिन्होंने पश्चिमी देशों में वेदांत और योगा का सूत्र दिया, वहाँ पे इन चीज़ों की स्थापना की है। इस बुक में स्वामी विवेकानंद बहुत सारे मेथड्स बताते हैं कि मेडिटेशन को अपने लाइफ में कैसे उतारा जाए, कैसे लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए मेडिटेशन, इससे होता क्या है, इससे वे लोग स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट को प्राप्त करते हैं, इससे वे लोग भगवान के और ज़्यादा, या जो भी आप शक्ति मानते हैं उसके और ज़्यादा आप करीब पहुंच सकते हैं। तो हम लोग इस बुक के 6 चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे एक ही वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 1, मेडिटेशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट। इस चैप्टर में स्वामी जी बताते हैं कि मेडिटेशन और उसके कुछ यंत्रों के बारे में। देखिए, जैसे कि लोग मेडिटेशन करते हैं तो कुछ लोग अपनी सांसों पे ध्यान लगाते हैं, मतलब 4 सेकंड अंदर 4 सेकंड बाहर, और नाक के यहाँ पे ध्यान लगा के सांस कैसे आ रही है कैसे जा रही है। कुछ लोग मंत्र उच्चारण करके ध्यान लगाते हैं, तो वहीं कुछ लोग जो है कोई एक इमेज पे, मतलब किसी एक भगवान की, जीजस की, या किसी भी एक इमेज पे ध्यान लगाते हैं। इसे स्वामी विवेकानंद जी क्या, देखिए आप दिमाग को ऐसे आप खुला नहीं छोड़ सकते, मतलब कुछ नहीं करना है तो वे कुछ ना कुछ वे करेगा ही करेगा, लेकिन जब आप उसे किसी एक चीज़ पे ध्यान लगाना, मतलब ही ध्यान देना है किसी चीज़ पे। तो जब आप दिमाग को कोई एक चीज़ दे दोगे ध्यान देने के लिए, तो वे कुछ टाइम के लिए वहाँ पे वे बंधा रहेगा, उछलेगा, ये तो दिमाग की आदत है, आपको फिर से उसे पकड़ के उसी चीज़ पे आपको ध्यान लगवाना है, फोकस करवाना है। तो ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्वामी जी बहुत अच्छे से बताते हैं। और इसमें ब्रेथिंग, मंत्रा जैसे कि ओम का उच्चारण, और कोई एक इमेज जैसे कि महादेव का या किसी का भी एक इमेज लेके उस पर हमें अपना ध्यान लगाना होता है। चैप्टर 2 है मेडिटेशन एंड इट्स प्रैक्टिस। देखिए, मेडिटेशन आदमी अगर 10 मिनट के लिए करता है, ध्यान में किसी एक चीज़ पे 10 मिनट के लिए लगाता है, तो 2400 घंटे उसका ध्यान कहीं ना कहीं उछलता ही रहता है, तो ये 10 मिनट के ध्यान का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसमें स्वामी जी बताते हैं कि मेडिटेशन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका जो डेली लाइफ है, आप जब तक आप जागते रहते हो, इस बीच में आपको कॉन्सेंट्रेशन, विजुअलाइजेशन और माइंडफुलनेस जैसी चीज़ें, मतलब आप जहाँ हो प्रेजेंट में रहना, मतलब माइंडफुलनेस, आप होश में हो, इसी को माइंडफुलनेस कहते हैं। तो ये सब तरीके बताते हैं, बहुत सारे प्रैक्टिसेस बताते हैं। इससे क्या होगा, इससे हमारा मेंटल फोकस इंक्रीज होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी हमें, और अंदर एक शांति को हम लोग निकाल पाएंगे। जब अंदर आपकी शांति होगी तो ध्यान खुद ब खुद आपसे होने लगेगा। उसके बाद है चैप्टर 3, मेडिटेशन एंड इट्स इफेक्ट। स्वामी जी बताते हैं कि मेडिटेशन का बेनिफिट एक पर्सनल लेवल पे इंसान को जो होता है वे तो होता ही है, बहुत सारे प्रॉफिट है, आपको इनर पीस मिलेगा, एंजाइटी चली जाएगी आपके लाइफ से, कहीं ना कहीं टेंशन ही खत्म होगा, कम होगा, आप एक अच्छे और खुशहाल इंसान बनोगे, आपकी लाइफ बढ़ेगी। वहीं साथ में ही मेडिटेशन जब एक इंसान करता है, 2 इंसान करता है, 3 इंसान, 1 सोसाइटी पूरी करने लगती है, तो सोसाइटी में भी सुधार आता है। जितना ज़्यादा एक सोसाइटी मेडिटेट करती है उतना ज़्यादा ही सोसाइटी में सुधार आता है, क्योंकि जब सतयुग चल रहा था तो बहुत सारे साधु धर्मात्मा हमेशा भगवान का ध्यान करते थे, और आजकल लोग भगवान का ध्यान कम करते हैं। इसीलिए भगवान या आप जिसका भी ध्यान करते हो, बट बस आपको मेडिटेशन आपको करते रहना है, और ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी आपकी मदद करेगा। चैप्टर 4 है मेडिटेशन एंड इस हिंडरनेस। हिंडरनेस मतलब आप प्रॉब्लम, ऑब्स्टेकल्स हम लोग बोल सकते हैं। तो इस चैप्टर में स्वामी जी बताते हैं कि जब आप मेडिटेशन करते हो तो बहुत सारी मुसीबतें आती है। जैसे आप जहाँ बैठे हो तो आपको फिजिकल डिस्कम्फर्ट आपको महसूस होगा, मन में भी आपका डिस्ट्रेक्शन आता रहेगा, बार बार आप पकड़ के लाओगे, बार बार मन कहीं और जाता रहेगा, और आप अपने इमोशनली भी आपको बहुत ज़्यादा आपको मतलब टेंशन, बेचैनी आपको होने लगेगी। तो यहाँ पे स्वामी विवेकानंद बहुत सारे प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं कि इन सबको कैसे मतलब शांत करना है, कैसे। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा मतलब मेडिटेशन में जब उतरते स्टार्टिंग के स्टेज में बहुत मतलब आदमी रोने लगता है, ऐसे हो जाता है। एक बार अगर आपने अगर ट्रूली मेडिटेशन को आपने अगर फील किया हो तो आपको पता होगा कि कैसा फील होता है, ये आप बता नहीं सकते हो।
लेकिन इससे मैंने आपको ये फिजिकल डिस्कम्फर्ट, मेंटल डिस्ट्रैक्शन, ये सब जो आता है, इन सबको भी आपको कहीं ना कहीं आपको फाइट करना होगा और ओवरकम करना ही होगा। चैप्टर 5 है मेडिटेशन एंड इट्स प्रिपरेशन। अब देखिए, जैसे कि कोई इंसान एक्सरसाइज करने भी जाता है तो वे पहले वार्म अप करता है। आप कोई भी काम करने, आप अगर कहीं लिखने भी बैठो तो पहले आप एक कॉपी और पेन लोगे, ये होती है तैयारी किसी भी काम को करने से पहले। वैसे मेडिटेशन भी एक काम है और इसके लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, इसके लिए भी कुछ प्रिपरेटरी स्टेप्स होते हैं जो हमें लेना चाहिए बिगनिंग में। जब हम शुरू करें तो हमें ये स्टेप्स को लेना चाहिए, जैसे कि एक अच्छी जगह अपने लिए चुनना, एक शांत जगह अपने लिए चुनना, हैबिट में लाना अपने आप को, क्योंकि आपने एक दिन किया फिर 10 दिन नहीं किया तो कभी नहीं आ सकता है। और मेडिटेशन आपको क्यों करना है, वे एक सही माइंडसेट रखना कि मुझे मेडिटेशन क्यों करना है, किसी का बुरा करने के लिए नहीं, अपने अंदर में शांति और पीस को लाने के लिए। तो ये सब कुछ स्टेप्स है, उसके बाद आप जब मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छा आपको फल मिलता है। और लास्ट, मेडिटेशन एंड इट्स रिजल्ट। अब अगर बोलने अगर जाऊँ तो मेडिटेशन के रिजल्ट तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स ने बता दिए, बहुत सारे संत महात्मा गुरु सब बताते ही रहते, इसमें मैं क्या ही ये करूँ। लेकिन जो अल्टीमेट गोल जो होना चाहिए मेडिटेशन का, वे किसी का भी इतना ही होना चाहिए कि सेल्फ़ रियलाइजेशन, मतलब मैं कौन हूँ, क्या हूँ मैं, ये इंसान को पता होना चाहिए, या तो फिर दूसरा स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट। ये दोनों गोल को छोड़ के अगर आपका, ये दोनों आपके मेन गोल्स होने चाहिए। मेडिटेशन बस इसलिए नहीं कि आपका मन शांत रहेगा तो आप और ज़्यादा मटेरियल चीज़ों को गेन करोगे, नहीं, आपको अपने आप को समझना है इसलिए आपको मेडिटेशन करना है, या तो आपको स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होना है। और ये थी कुछ बहुत अच्छी बातें मेडिटेशन एंड इस मेथड बुक से। ऐसे ही बुक्स लाता रहूँगा, हमारे साथ बने रहे, चैनल को लाइक से लो और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।